हेलो गाइस, वेलकम टू स्टमक भाई। आज के वीडियो में मैं ऐसे 7 टिप्स के बारे में बात करूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम लोग बिगिनर प्रोड्यूसर हो तो। फर्स्ट पॉइंट है हैव पेशेंस। तो मतलब हम लोग इनिशियल स्टेज में एकदम पेशेंस नहीं रखते और पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है स्टार्टिंग फेज में। टाइम मतलब आएगा, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है इट्स अ रोलर कोस्टर नॉट ए स्ट्रेट रोड। मैंने मतलब ये सब पॉइंट मैंने ही खुद से लिखा है तो कि तुम लोगों को इजी लगे। तो जैसे कि तुम लोगों का सेकंड पॉइंट सुन के तुम लोगों को समझ गया होगा कि मतलब इसमें थोड़ा बहुत उतर चढ़ाव है, इतना सीधा लाइन नहीं होता है। मतलब इफ यूर थिंकिंग कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का लाइफ बहुत ही मतलब फ्लैशी लाइफस्टाइल होता है और कोई टेंशन नहीं होता है तो यू आर टोटली रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होता, बहुत ही मतलब इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन उसमें नहीं, लाइफ में भी मेंटल हेल्थ और ऐसे मतलब हम लोगों का हेल्थ का भी ऊपर बहुत उतर चढ़ाव आ सकता है। तो ये नेचुरल है, ये होगा, पहले से ही हम लोग को जानना चाहिए मतलब हो सकता है आगे या होगा। अभी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, स्टॉप मेकिंग कॉम्प्लेक्स म्यूजिक। तो जैसे कि तुम लोग पॉइंट में पता ही चल गया होगा, मतलब इनिशियल स्टेज में मैंने भी खुद 2014-15 में जब प्रोडक्शन करता था तब इंस्पायर होता था। मतलब लाइक जो लोग प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स है उन लोगों से इंस्पायर होता था और वो लोग तरह म्यूजिक बनाने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा मुश्किल होता है करना। और एक चीज़ होता है कि मतलब हम लोग का स्टार्टिंग फेज में हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज बनाने की कोशिश करते हैं और कॉम्प्लेक्स चीज ही मतलब हिट हो जाएगा, लेकिन उसका ऑपोजिट ही एक्चुअली होता है। तो तुम लोग समझ गया होगा पॉइंट। तो अभी फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टॉप ओवरडूइंग। हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि बहुत ओवरडू करते थे, लाइक एक सिंपल चीज को हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते या ओवरडू कर देते। वही अगर एक एग्जांपल मैं दूं तो हाई हैट, मान लो कि तुम लोग एक हाई हैट पैटर्न बनाए ट्रैप बीट को, ठीक है, हाई हैट पैटर्न बनाया लेकिन उसके ऊपर और एक कुछ लेयर डाला उसने हाई हैट का जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नोट है और कुछ भी प्ले हो रहा है हाई हैट, वही ओवरडू उसको ही बोलते कि अगर किसी चीज को ज्यादा कर दिया तो उसको ओवरडू बोलते। ज्यादा नहीं करना चाहिए और हम लोग करते हैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में, मैंने भी खुद ने किया है बहुत किया। फिफ्थ पॉइंट जो है स्टॉप मिक्सिंग व्हाइल प्रोड्यूसिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुत प्रोड्यूसर्स करता है, ट्रैक बनाने के दो तीन एलिमेंट डालने के बाद ही मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। क्योंकि मान लो तुम्हें आज सुबह सुबह तुम लोग फ्रेश उठे एंड कुछ अच्छा आइडिया है ट्रैक बनाने का या किसी से इंस्पिरेशन मिला कोई ट्रैक से या कोई सैंपल से, वो जो जितना भी आइडिया है उतना आइडिया पहले टॉप बना लो, देन जाके मिक्सिंग करो, वो अलग डे पे करो या बाद में करो। लेकिन जब आइडियाज आ रहे हैं तो आइडिया जैसे भी करके ट्रैक को मतलब राइटिंग को कंप्लीट कर लो, नहीं तो आइडिया अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम लोग भूल जाओगे क्या आइडिया आया था ट्रैक बनाने के टाइम स्टार्टिंग में। एंड प्रोड्यूसिंग एंड मिक्सिंग दीज आर टू डिफरेंट थिंग, तो उसको एक साथ करोगे तो वही सब खिचड़ी हो जाएगा। अभी सिक्स पॉइंट पे चलते हैं। सिक्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने भी खुद बहुत ही किया है, बहुत बार किया। तो है कि सिक्स पॉइंट है डोंट आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम योर प्रोड्यूसर फ्रेंड। मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग हाफ डन एक ट्रैक को किसी को सुनाते हैं, तो क्या होता है वो सुनाने के बाद लोग अभी क्या होता है मैक्सिमम नेगेटिव चीज बोलते हैं। तो अगर नेगेटिव कमेंट आ गया, कुछ कमेंट कर दिया कि ये बुरा लग रहा है वो बुरा लग रहा है, तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। कोई इनिशियल स्टेज में किसी के दिखाना मतलब ट्रैक क्या कैसा बना है क्या करूँ, वो दिखाने से पहले अगर 100% खुद से कर लो, एक मिक्सिंग मास्टरिंग तक जितना हो सके अपने से कर लो, उसके बाद दिखाओ कि मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ कर लिया है, ऑलमोस्ट डन है मेरे हिसाब से, अभी कैसा लग रहा है। तो उसमें से तुम लोग सीखोगे भी बहुत सारा चीज, तुम लोग पता भी चले कैसे कैसे क्या क्या होता है। मतलब प्रोड्यूसिंग से मिक्सिंग मास्टरिंग के थोड़ा लंबा स्टेज, स्टार्टिंग में तो लंबा ही लगेगा। तो जितना भी पांच पॉइंट अभी तक बोला उसमें बहुत सारा चीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, अभी अगर ये लोग ये सब चीज फॉलो करोगे तो ऑलरेडी किसी को मतलब फीडबैक के लिए सुनाना नहीं पड़ेगा। तो अभी लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और कोई सब पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना, ये पॉइंट अच्छा लगे या कोई पॉइंट में समझ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिस्परेट फॉर मेकिंग नॉट फॉर लर्निंग। तो ये इसमें तुम लोगों को पॉइंट में समझ ही नहीं गया होगा। मतलब लर्निंग एक बोरिंग चीज लगता है, मेरे को भी लगता है, तुम लोगों को भी लगता हो। बिना सीखे अगर तुम लोग म्यूजिक बनाओ तो म्यूजिक तो मतलब वैसा ही बनेगा, सेंस कुछ सेंस नहीं रहेगा। तो मेरे चैनल पे दो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे कि एक मास्ट वॉच बोल के उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा और एक प्रोडक्शन रिलेटेड है मतलब म्यूजिक मेकिंग टाइप का एक प्लेलिस्ट है। तो दो प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उसको देखो, कमेंट वमेंट करो, लिखो और जितना भी अपकमिंग वीडियोस है वो सब लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।